तो राधे राधे दोस्तों, तो देखिए आज हम सूट का ये कपड़ा लाए हैं। सूट है और ये बहुत सुंदर कलर है, हमको बहुत पसंद है, हमारा फेवरेट कलर है। और ये पैजामा है देखिए, हरा रंग का, इसमें लाल कलर का, लाल नहीं है, टमाटर कलर सूट है, हरा पैजामा। आई इसका दुपट्टा हमको बहुत ही पसंद आया है, देखिए एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है और लंबा भी है, और कलर भी हमको इसका बहुत पसंद है। तो चलिए आज हम सूट कटिंग करते हैं और आप भी देखिए। और हम जो भी सूट कपड़ा पहनते हैं अपना, हम घर पर ही सिलते हैं, क्योंकि हमको सिलाई आता है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मल हम अपना सी लेते हैं, अपना थोड़ा बहुत गहकी का भी सी लेते हैं। तो नॉर्मल हमारे तरफ इसी तरीके से सूट सिया जाता है, हमको इसी तरीके से आता है, इंची टेप का किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। और सूट सिलना भी हम जानते हैं और काटना भी हम जानते हैं, अपना और बाहर का भी सीते हैं, तो हमारे गांव में इसी तरीके से सिला जाता है। नॉर्मल जो आप सूट पहनते हैं उसको चार दोबरा करके, मतलब कि बीच से इस तरीके से फोल्ड करके देखिए, मतलब सरिया कर रख दीजिए। नॉर्मल जो कपड़ा, सूट का जो कपड़ा है उस पर इस तरीके से सरिया कर रख दीजिए, और ऊपर से देखिए सूट को एकदम बराबर हम करके रख दिए हैं। और यहाँ पर जो सूट है हमारा, जो ये हमको फिटिंग होता है थोड़ा सा, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसे बड़ा बड़ा लेंगे, मतलब एक एक इंच लंबा लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम गला काटेंगे, तो हम गला गोल ही देंगे यहाँ पर। तो पहले ऊपर से सूट बराबर करके हम काट लेंगे। तो देखिए हम गला गोल करके, इसका गला का जो डिजाइन है हम सिंपली गोल करके काट रहे हैं, क्योंकि हमको गोल ही पसंद है। आपको अगर डिजाइन पसंद है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से कट जाता है एकदम तुरंत, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगेगा इस तरीके से काटिएगा तो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऊपर बराबर कर दिए, हमारे तरफ इसको कंधा बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको भी बराबर कर देते हैं। उसके बाद हम ये बांह काट लेंगे, अगर आपको पूरा इसका सिलाई और कटिंग का वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, तो हम पूरा इस पर अगला वीडियो हम उसी पर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ से हमको हमारा सूट कट चुका है, बगल से मतलब गला भी काट लिए हैं और बाहें भी काट लिए, अब साइड से काट रहे हैं। और एक एक इंच हम बड़ा सूट करके काटेंगे, क्योंकि ये सूट थोड़ा टाइट होता है हमको, तो इससे थोड़ा बड़ा, ऐसे भी हमको कपड़ा थोड़ा ढीला ढाला पसंद है, बहुत हमको फिटिंग नहीं पसंद है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सूट का एक पल्ला जो होता है आगे वाला भाग जो कट चुका है, अब पीछे वाला हम काटेंगे, तो सेम इसी तरीके से उसको भी रख के काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कपड़ा बचा था, जो पीछे वाला भाग है, तो इसको भी हम यहाँ पर सरिया लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसी पर जो पीछे वाला आगे वाला जो सूट का हम भाग काटे हैं उसको इस पर अच्छी तरीके से हम सरिया लेंगे। और नॉर्मल तरीका, इसी सिंपल तरीका से आप घर पे सूट काट के सी सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर में आप देने जाइएगा तो टेलर और जो सिलते हैं वो लोग नॉर्मल ये सब सिंपल सूट का 150 से 200 रुपये तक हमारे तरफ लेता है। तो फिर हम लोग घर पे ही सी लेते हैं, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत हम लोग को आता है, थोड़ा बहुत क्या क्या नॉर्मली हम जो बाहर से कोई कोई सिलाने आती है उनका भी हम सीते हैं, और खुद भी हम पहनते हैं, तो अपना ही सिया हुआ पहनते हैं। तो यहाँ पर देखिए बराबर करके हम एक बार और अच्छी तरीके से इसको देख लेते हैं कि कहीं ज़्यादा बड़ा छोटा तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नाप लेते हैं अच्छे तरीके से, और सूट जब अच्छा से कट जाएगा तो फिर सिलने में दिक्कत नहीं होता, कि कटने में सिलाई तो हम एक दो बार उघार के सिल सकते हैं, लेकिन कटने के बाद उसको हम नहीं वापस से काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं कर सकते हैं। इसी
लिए अच्छे तरीके से सूट को नाप रख के और काटे यहाँ पर। और अगला जो सूट का हमारा पल्ला है यहाँ पर देखिए, हम उसमें पिछला में गला काट रहे हैं, तो पहले हम छोटा सा गला काटेंगे क्योंकि हम सूट में डिजाइन देंगे। और देखिए छोटा गला काट के यहाँ पर हम पिछला जो सूट का हमारा भाग है उसको भी हम काट रहे हैं। और इस तरीके से आप काटिएगा तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि सिलाई आना ही चाहिए, इस तरीके से नॉर्मल आप घर पे काट सकते हैं, बिना सिलाई आए हुए भी आप सूट रख के और सूट के नाप से सूट काट के सी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सूट कट चुका है, बस अब पीछे का गला है जो थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, उसमें हम डिजाइन बनाएंगे। सूट का आगे वाला भाग हम मोड़ के हटा दिए हैं। देखिए हम पीछे वाला गला बढ़ा रहे, तो थोड़ा सा जो हमारा पहले का सूट है उससे थोड़ा हम बड़ा गला लेंगे। और ये देखिए गला का डिजाइन कितना सिंपल और आसान तरीके से काट रहे हैं। इसको हमारे तरफ मटका गला बोला जाता है। और थोड़ा सा इसको और नीचे से बढ़ाएंगे ताकि अच्छी तरीके से इसका शेप बैठ सके। देखिए कितना सुंदर हमारा फिनिशिंग एकदम गला का डिजाइन बन चुका है। तो देखिए कितना आसानी तरीके से हम सूट को काट लिए हैं। अब यहीं पर हम इसमें सूट हमारा कट चुका है, अब यहीं पर हम बाहीं काटेंगे। तो अगर आपके पास नॉर्मल सूट है तो उसके से नाप से बाहीं काट सकते हैं। ऐसे हम अंदाज से इसको दो बित्ता चार अंगूठ लिए हैं बाहीं को। अब बाहीं जो अगर आपके पास है तो उसको भी रख के आराम से काट सकते हैं। तो देखिए हमारा सूट का बाहीं भी कट चुका है, तो सूट को हम फूल बाहीं सियेंगे। तो लीजिए हमारा सूट का बाहीं भी कट गया। अब यहाँ पर आया पैजामा का बारी, तो सबसे पहले ऊपर हम जो कमर पट्टी होता है उसको निकाल लेंगे। पहले लंबाई नाप के कमर पट्टी निकाल लेंगे। और बाहर कितना बाहर में बहुत पैसा लेते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा सूट घर पर ही सीते हैं। और आप भी सिया कीजिए, देखिए बहुत अच्छा आसान तरीका से सिला जाएगा। और ये हम देखिए पुराना अपना पैजामा ले लिए, मतलब सलवार, इसी के नाप से हम लेंगे पूरा। तो जहाँ तक चून है वहाँ तक पहले इसको निकाल लेंगे हम, और चून के ऊपर तो कमर पट्टी लगता है तो आराम से वहाँ से पहले काट लेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा हो गया है पैजामा का लंबाई। और यहाँ जो ऊपर जो बचा हुआ कपड़ा उसको हम पहले काट के निकाल लेंगे। और पैजामा का कपड़ा को पकड़ के सीधे से तिरछा मोड़ लेंगे। ऐसे अगर आपको नहीं आता है तो पैजामा को भी आप सीधा करके और रख के एक एक बित्ता उसका साइड में कपड़ा रख दीजिएगा, और उसके बाद मोड़ के इधर आपका कट जाएगा। तो हमारा सूट सलवार दोनों कट चुका है। चलिए सीते तो हम नहीं दिखाए, लेकिन यहाँ पर देखिए सूट हमारा और सलवार दोनों सिया गया है। और यहाँ पर देखिए हम बाही में भी डिजाइन दे दिए हैं, बाहीं पर भी डिजाइन दिए हैं इस तरीके से देखें आजकल। ये पीछे का गला हमारा बना है, तो सूट हमारा सिया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से और सुंदर भी लग रहा है। तो आप हमें जरूर बताइए कि हमारा सूट काटने का आपको अंदाज कैसा लगा, हम इसी तरीके से सूट काटते हैं। यहाँ पर देखिए ये बाही है, तो हम फूल से थोड़ा सा छोटा बाही काटे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा पैजामा भी सिल्क काट भी लिए हैं, सिल्क भी तैयार हो चुका है देखिए। और ये पटियाला पैजामा है, लेकिन पटियाला पैजामा पर हम लंबा सूट पहनते हैं, हमको अच्छा लगता है देखिए। और यहाँ पर देखिए हम पैजामा में पॉकेट डाले हैं ताकि कोई सामान आप इसमें रख सकते हैं, फोन पैसा कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए हम सूट पूरा पहन के आपको दिखा दिए, तो कैसा लगा बताइए, अच्छा लग रहा है नहीं? अगर कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये पीछे का गला है देखिए, तो चलिए हमारा सूट सिला गया है और अच्छा भी लग रहा है, हमको तो पसंद आ रहा है। आप भी बता सकते हैं कैसा लगा।
यहीं पर देख सकते हैं कितना अच्छा हम सूट सी लिए हैं। तो आज हमारा काम हो गया है, सूट हमारा सिला गया। चलिए छत पर चलते, छत पर हम आ गए हैं देखिए। और यहाँ पर देखिए छत में कितना, बाहर धूप आया है बहुत अच्छी तरीके से, बारिश हो रहा था उसके अगले दिन धूप आ गया है। और यहाँ पर हमारा मशीन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, तो इसको भी थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। तो धूपा में बैठ के हम मशीन भी थोड़ा बना लिए हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर से एक नए वीडियो के साथ